पश्चिमी चंपारण जिले के ज्यादातर गांव में देखा गया है कि प्राकृतिक आपदा के शिकार लोगों को आपदा प्रबंधक विभाग के राहत कोष से कोई राहत नहीं मिलता और इन लोगों को न इस बारे में कोई जानकारी है। दिनांक 9/3/2016 को करीब 12 बजे रात्रि में अचानक आग लगने से ग्राम हरकटवा नया टोला निवासी अनिका चौधरी, बबलू चौधरी और अनुरू चौधरी का घर पूरी तरह जल गया। आग इतनी भीषण थी कि घर से कोई सामान नहीं निकाला जा सका, लेकिन विभाग के तरफ से एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी राहत के तौर पर कुछ नहीं दिया गया। 11:30 बजे सुतले में आगे लागल कर फेरनी अजूर देखनी तो उठ के अपना लुग लैके ले के भाग गई। सारा संपत्ति घर में हमार जर गई। 10,000 के सोलर बैटरी सहित डेढ़ क्विंटल चाउर, 50 किलो गहूँ, लुगा कपड़ा, 6 थान पतोह के बिको, 5 थान हमार बिको, पतोह के चढ़ा हुआ जो कपड़ा लता कर लेते हैं, इनकर सिन्हरा हमार सिन्हरा, 2 सीट बर्तन इनकर चढ़ा हुआ मिल रहा जर गए आ कपड़ा लता जन जर गए, ट्रक बाकस 2 गो, चौकी 1 गो, ये सब जर गए। कपड़ा लता लेके हमारे खाली काछा पर बाढ़ सौ देह में कौन बस्तर नहीं के सास पतोह के हमें देह पर एगो जौन पहिरले बन जा कपड़ा तौने तौने एको घर में से नहीं खेली कड़ाई। सारी संपत्ति हमार जर गए बा। अच्छा, जब ये आगे लगला तो कैसे लगला? अपरूपी लग दला इन लगे मतलब कई बार 6 बार जल जल चुकल बा। और वो को मुआवजा मिलल बा कि नहीं मिलल? कुछ नहीं मिलल। कब वो? मैं चाहती हूँ कि आग, ओला वृष्टि, आंधी तूफान और बाढ़ से पीड़ितों को तत्काल राहत दिया जाए, इसलिए वीडियो बना रही हूँ। मैं अपने समुदाय के साथ अंचल कार्यालय में आवेदन देने जा रही हूँ। आप सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि आप भी इस महत्वपूर्ण लड़ाई में सहयोगी बने। अंचल अधिकारी का मोबाइल नंबर है 94-31-82-67-12। इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।